हेलो एवरीवन माय नेम इज मौमी दास वेलकम टू स्टडी स्टीजी बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास एट एनसीआर के एक्सरसाइज टू को कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर वन किया था आई होप आपने वो वीडियो देखा और सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर टू करेंगे विच इज काइंड ऑफ सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है चार पार्ट्स है चारों के चारों इजी हैं। वन बाय वन हम चारों को करेंगे ओके बिफोर दैट आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू देखो सिंपलीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन नंबर में हमारा क्या था सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन तो उसमें हम क्या करते थे जो वेरिएबल होती थी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते थे सिंपली है ना यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या करना है सिंपलीफाई करना है ये जो ब्रैकेट्स है इनको सोल्व करना है फिर वही एज एजल्ट हमें टी की वैल्यू जो वेरिएबल है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपल से क्वेश्चन नंबर वन जैसे ही ऑलमोस्ट ओके चलो देखो इसको कैसे करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर ले एक बार थ्री टी माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव टू टी प्लस वन तो क्या करते हैं यहाँ पे मैं अलग से लिखती हूँ ये t माइनस थ्री लिखा एक बार थ्री से t को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वाले टर्म को ब्रैकेट के अंदर के फिर जो साइन है उसको लगाते हैं फिर सेकेंड वाले टर्म से थ्री को मल्टीप्लाई करते हैं जो भी बाहर नंबर दिया हुआ है उसको एक बार फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार सेकेंड वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में जो साइन रहता है उसी को लगा देते हैं ठीक बहुत ही गंदा सा हो गया है चलो इरेज कर देते फटाफट आप क्या करेंगे थ्री इन टी विल बी थ्री टी ठीक फिर माइनस लगाया माइनस का साइन है क्योंकि थ्री थ्री जी क्या हो गया नाइन हो गया इज इक्वल टू अब आ जाते हैं इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में फाइव टू टेन और टी एज इट इज मल्टीप्लाई है ना तो फाइव टू नंबर नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वेरिएबल है उसको साथ में लिख देंगे तो टेन टी हो जाएगा फिर प्लस है बीच में तो प्लस लगा दिया और फाइव वन साइव हो जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं करना है बस वेरिएबल वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं नंबर नंबर को एक तरफ है ना जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था तो थ्री टी को यही छोड़ा माइनस टेन टी क्यों क्योंकि टेन जो है उसको ट्रांसपोज किया तो साइन चेंज हो गया अब फाइव को पहले लिख लेते हैं और देखो 9 है तो माइनस नाइन ट्रांसपोज होके प्लस नाइन हो जाना है तो यहां से सॉल्व करेंगे फर्दर तो 10 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा जाएगा लेकिन ध्यान से देखो टेन बिगर डिजिट है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा माइनस सेवन टी प्लस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस करेंगे तो सेवन आएगा लेकिन बिगर डिजिट के आगे जो साइन होता है वही साइन हमको लगाना रहता है ठीक और फाइव प्लस नाइन कितना हो जाएगा फोर्टीन हो जाएगा देखो बहुत ही ही अच्छा नंबर मिल गया हमको T को को करेंगे करेंगे तो तो में आ जाएगा साथ साथ भी करेंगे, तो आप न्यूमरेटर में लिखो चाहे डिनोमिनेटर में लिखो दोनों में से कहीं भी लिख सकते हैं ओके नीचे भी हम माइनस सेवन लिख सकते थे ऊपर माइनस लिख दिया वो भी गलत नहीं है अब देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो रहा है सेवन वन सा सेवन टू सा फोर्टीन तो टी की वैल्यू हमें क्या मिल गई टी की वैल्यू हमें मिल गई माइनस टू अच्छा साइन बहुत ध्यान से साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ध्यान देना है ओके okay? तो दिस विल बी फाइनल आंसर टी की वैल्यू हमें माइनस टू मिल गई चलो नेक्स्ट वाला करें इसी तरह से करना है यदि आपको समझ में आ गया तो चलो फटाफट मेरे साथ करो और मैच करो कि आपकी वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं ओके okay? पहले क्या करेंगे फिफ्टीन इंटू वाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा फिफ्टीन देन माइनस का साइन है तो माइनस लगाया फिफ्टीन फोर सा कितना होता है काम कर लेंगे होगा टू वाई ही होगा है ना अब फिर से पहले साइन का माइनस और माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक अब नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे टू नाइन सा एटीन इस तरह से पहले आप माइन साइन uh, का साइन uh, को सॉल्व कर लेना उसके बाद फिर नंबर्स को सॉल्व करना तो मिस्टेक नहीं होगा स्पेशली जहां माइनस का साइन होता है ना बच्चों वहां बहुत ध्यान से करना है ओके okay? बाकी प्लस वाले में तो साइन चेंज होते नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं यहाँ जैसे प्लस फाइव है तो कोई टेंशन नहीं फाइव इंटू वाई विल बी प्लस फाइव वाई और प्लस का प्लस दोनों प्लस में है देखो ये भी प्लस और ये भी प्लस है ना प्लस का ही साइन आएगा और फाइव सिक्स थर्टी हो जाएगा इज इक्वल टू तो जीरो अब बस वेरिएबल्स uh, को सॉल्व करते हैं लाइक like टर्म्स को एक साथ सॉल्व करते हैं ना और नंबर्स नंबर्स को एक तरफ सॉल्व कर देते हैं पहले रीअरेंज कर लें फिफ्टीन वाई माइनस टू वाई प्लस फाइव वाई हो गए सब y वाले हाँ बिल्कुल अब माइनस सिक्सटी प्लस एटीन इसको हम ट्रांसपोज भी कर सकते थे लेकिन बाद में करते हैं सॉल्व करने के बाद है ना एक ही बात है थर्टी इज अब सारे वाई वाले एक साथ आ गए इन दोनों को पहले स्टेप वाइज हाँ 15 माइनस टू क्या हो जाना है ये हो जाना है थर्टीन वाई और साइन किसका आएगा 15 के आगे प्लस का साइन है तो साइन पॉजिटिव रहेगा और बाकी प्लस है उसको फिलहाल लिख देते हैं ठीक अब यहाँ पे भी इन दोनों को पहले साइन सॉल्व कर लेते हैं सिक्सटी माइनस एटीन कितना हो जाएगा थर्टी टू देखते हैं सिक्सटी माइनस एटीन गया टू यहाँ से ये फाइव वन गया फोर्टी टू होगा सॉरी तो यहाँ होगा फोर्टी टू लेकिन साइन देखो सिक्सटी इज अ बिगर डिजिट और उसके आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा माइनस का तो साइन बहुत ध्यान से करना है ओके यहां हो गया 42, और बाद में थर्टी प्लस में है तो उसको एज इट इज लिख देते हैं प्लस थर्टी ठीक इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमें माइनस फोर्टी टू मिला स्टेप वाइज करने से गलत कभी नहीं होता इज इक्वल टू जीरो किया अब बाकी दो जो बचे हो उनको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ फिफ्टी थर्टीन प्लस फाइव हो जाएगा एटीन वाई फिर माइनस प्लस माइनस करेंगे 42 30 कितना होता है 12 होता है और देखो बिगर डिजिट 42 है इसके आगे माइनस है तो यहां पे भी कौन सा साइन आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू जीरो बस पहले नंबर को ट्रांसपोज करते हैं पहले हमेशा नंबर को ट्रांसपोज करते हैं है ना प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है तो इसलिए बोल रही हूँ मैं आप सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस को फॉलो करोगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे यहाँ ट्वेल्व को हमने ट्रांसपोज किया तो माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा अब अबीन जो है वो मल्टीप्लाई में है इसको ले जाते हैं हैं डिवाइड में तो अपॉन कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो दोनों इवन नंबर है तो टू से तो जाएगा तो ये टू सिक्स जा गया और टू नाइन जा गया अब देखो दोनों थ्री की टेबल में भी आ रहा है तो थ्री से भी कैंसिल कर सकते हैं है ना हमें फाइनल आंसर लोएस्ट टर्म में लिखना है बच्चों मतलब पूरा कैंसिल आउट करके जो फाइनल आंसर आएगा उसे लिखना है ठीक तो यहाँ से हमारा देखो थ्री टू जिक्स और थ्री थ्री जन भी कट गया तो यहाँ से हमें y की वैल्यू फाइनली क्या मिल गई टू अपॉन थ्री सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके समझ में आया इजी था बस साइन का बहुत ध्यान रखना है ओके okay? स्पेशली जहां माइनस लग गया हम्म hmm? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन में अगेन धीरे धीरे स्टेप वाइज करेंगे ओके okay? सबसे पहले क्या करेंगे थ्री इंटू फाइव तो ये हो गया 15, और z है तो साथ में z लिख दिया फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगाया नाउ सेवन थ्री ज्वेंटी वन या थ्री सेवन ज्वेंटी वन ठीक अब नेक्स्ट वाला देखो नेक्स्ट वाला माइनस वाला है तो बहुत ध्यान से पहले साइन को सॉल्व करते हैं माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस हो जाएगा नाइन टू जा एटीन हो जाएगा और साथ में z है तो z लिख दिया अब देखो माइनस और माइनस प्लस होगा ठीक माइनस माइनस प्लस हो जाता है और टू इलेवन जी टू हो जाएगा पहले साइन को को सॉल्व सॉल्व कर कर लिया लिया फिर नंबर नंबर को कर लिया। अब इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लगा दिया फोर एट जा हो जाएगा थर्टी टू और साथ में z है तो z लिख दिया अब देखो माइनस प्लस माइनस माइनस ये होगा फोर के आगे कोई साइन नहीं है मतलब बच्चों प्लस का साइन है ठीक तो प्लस माइनस माइनस हो गया और फोर थर्टीन सा कितना हो जाता है फिफ्टी टू हो जाता है तो ये लिख दिया फिफ्टी टू फिर माइनस इज लिख देते हैं है, है तो है, तो है, तो और कौन सा जेड वाला टर्म है ये देखो राइट साइड में थर्टी टू है इसको ट्रांसपोज करके लेफ्ट में लेके आएंगे तो साइन चेंज होके माइनस थर्टी टू जेड हो जाएगा ठीक अब क्या है अब नंबर्स नंबर्स बस बचे हैं उनको राइट right में लिखना है तो सबसे पहले जो राइट right वाले नंबर है उनको लिखते हैं ना माइनस तो 52 हो गया -17 हो गया और बाकी दोनों को ट्रांसपोज करके लाना है देखो एक माइनस ट्वेंटी वन है ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा प्लस ट्वेंटी वन एक प्लस ट्वेंटी टू है तो ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी टू ओके अब इन दोनों को ये इरेज कर देते हैं अब कर देते हैं इन दोनों को सॉल्व एटीन माइनस फिफ्टीन देखो प्लस माइनस अच्छा यहाँ ध्यान से समझ लो प्लस और माइनस होता है माइनस प्लस माइनस हो तो हम माइनस करते हैं माइनस प्लस हो तो भी हम माइनस करते हैं और यदि सेम साइन है दोनों माइनस माइनस है तो इसको प्लस करेंगे और प्लस प्लस है तो ऑब्वियसली प्लस करेंगे तो याद ये रखना है कि सेम साइन है तो हम प्लस करते हैं और साइन जो है वो बिगर डिजिट के आगे का आता है और यदि अपोजिट साइन है तो हम माइनस करते हैं और साइन अगेन बिगर डिजिट का ही आएगा है ना साइन तो बिगर डिजिट का ही आएगा अपोजिट साइन है तो प्लस करेंगे सेम साइन है तो माइनस करेंगे अब यहाँ देखो अपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे 18 18 कितना हो जाएगा 3, लेकिन बिगर डिजिट हमारा 18 है उसके आगे है, तो लगा दिया। अब माइनस थर्टी टू एज इट इज लिख देते हैं माइनस थर्टी टू जेड अभी एज इट इज लिख दिया इज इक्वल टू इस तरफ आ जाते हैं इन दोनों को सोल्व करते हैं और इन दोनों को सोल्व करते हैं आर फोर नंबर ही है ना तो इन दोनों को सोल्व करेंगे देखो माइनस माइनस क्या है प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में

तो ये थ्री प्लस थर्टी टू हो जाएगा थर्टी फाइव दोनों के आगे माइनस का साइन है तो माइनस तो रहेगा ही इज इक्वल टू यहाँ पे भी देखो दोनों के आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस सिक्सटी नाइन प्लस वन विल बी सेवेंटी और दोनों के आगे माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे अब देखो ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं चाहे आप यहीं पे कैंसिल कर कर जो कर दो चाहे 35 को डिनोमिनेटर में लाने के माइनस थर्टी को डिनोमिनेटर में लाने के बाद कैंसिल करो बोथ आर सेम थिंग ठीक तो यहां से हमारा दोनों माइनस कैंसिल हुआ अब z की वैल्यू क्या आ जाएगी z इज इक्वल टू सेवेंटी है यहाँ पे 35 को हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं देखो

मल्टीप्लाई में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आप अलग अलग भी करके देखोगे तो आपको हंड्रेड ही मिलेगा यहाँ देखो कितने नंबर के आगे डेसिमल है दो नंबर के आगे डेसिमल है तो यहाँ पे भी हम काउंट करके दो नंबर के आगे क्या पुट कर देंगे डेसिमल तो दोनों जीरोस के आगे क्या जाएगा डेसिमल अब डेसिमल के बाद जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती बच्चे तो तो uh, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा फाइनली वन ही मिलेगा वन और एफ है तो वन एफ लिख देते हैं ठीक अब वन एफ को आप सिर्फ एफ भी लिख सकते हो जरूरी नहीं है वन लिखना जरूरी नहीं होता यहाँ हम सिंपली एफ वन जा एफ कर दिया मैंने ठीक अब माइनस का साइन है तो ये लगा दिया मैंने माइनस अच्छा इसको स्टेप वाइज करके बताती हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो है ना तो लेट्स टेक द कलर बोला मैंने ठीक बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगाया फिर जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू थ्री है ना अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट अब बीच में इज इक्वल टू है इज इक्वल टू लगा दिया जीरो पॉइंट जीरो फाइव को एक बार करेंगे टेन एफ से मल्टीप्लाई यहां से इसको मल्टीप्लाई किया माइनस का साइन है तो माइनस लगाया फिर जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे नाइन के साथ ठीक ये स्टेप भी लिख देते हैं जैसे कि कंफ्यूजन ना हो है ना लेट्स से रेज ऑल दिस करते हैं सॉल्व अब इन दोनों को जैसे कि मैंने बताया आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा वन uh, मिलेगा तो यहाँ पे इन दोनों की जगह हमने लिख दिया वन इन ठीक फिर माइनस लगाया यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप सेवेंटी फाइव 25, 75 होता है लेकिन दो नंबर के आगे देखो यहाँ दो नंबर के आगे डेसिमल है तो नीचे भी दो नंबर के आगे क्या जाएगा डेसिमल आ जाएगा तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव ठीक टू यहाँ ध्यान से देखो टेन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फाइव टेन जिफ्टी होता है है ना और कितने नंबर के आगे डेसिमल लगाना है अगेन हमें दो नंबर के आगे डेसिमल लगाना है तो एक नंबर दो नंबर इसके आगे पुट कर दिया डेसिमल और डेसिमल के आगे एक जीरो लगा देना चाहिए तो ये आप जीरो पॉइंट फाइव जीरो लिखो चाहे इस जीरो को आप हटा दो क्यों क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है ना तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा जीरो पॉइंट फाइव और एफ है ये वाला तो एफ तो लिखना जरूरी है तो एफ लिख दिया ठीक अब बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगाया अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं देखो नाइन फाइव सा कितना होता है फोर्टी फाइव तो ये लिख दिया पहले मैंने फोर्टी फाइव ठीक आप जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे नाइन तो जीरो ही आएगा डोंट टेल कि जीरो के साथ क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया ओके वो तो जीरो ही आने वाला है तो सिर्फ नंबर नंबर को मल्टीप्लाई किया नाइन फाइव हुआ अब देखो दो नंबर के आगे डेसिमल है सेम वही कहानी है ना तो यहाँ पे भी दोनों नंबर के आगे डेसिमल आ जाएगा तो यहाँ डेसिमल आ गया तो ये हो गया जीरो पॉइंट फोर फाइव ठीक समझ में आया चलो आगे करें आगे वेरिएबल्स को एक तरफ लेके आते हैं और नंबर्स को एक तरफ रखते हैं यहाँ पे वन एफ विल बी एफ ओनली ठीक और ये वाला एफ वाला टर्म हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस जीरो पॉइंट चलो वन लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूज नहीं होगी जीरो आए तो प्लस था माइनस में हो गया अब इस तरफ देखो माइनस जीरो पॉइंट फोर फाइव है ऑलरेडी पहले इसको लिखेंगे यहाँ अच्छा फिर इस वाले नंबर को ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में है तो यहाँ के प्लस जीरो पॉइंट सेवन फाइव ठीक समझ में आया अब एफ एफ वाले को प्लस माइनस करते देखो हमको क्या करना है वन में से जीरो पॉइंट फाइव को माइनस करना ध्यान से देखना ठीक हमें करना है में से को माइनस इसको अब देखो यहाँ तो दो नंबर है और दोनों के बीच में डेसिमल है बच्चों हमेशा याद रखना जब हम प्लस माइनस करते हैं ना तो ठीक डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए अब डेसिमल के बाद यदि मैंने जीरो लगा दिया तो वो गलत नहीं है क्योंकि हमें दो टर्म है ना यहाँ पे है ना दो जीरो और फाइव दो टर्म है ठीक डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया डेसिमल के बाद हमारा फाइव है तो फाइव लिखा डेसिमल के आगे हमारा जीरो है तो जीरो लिखा ऊपर यहाँ पे जब कोई नंबर नहीं रहता है तो आप डेसिमल लगा के जीरो लगा देना उससे आपको सॉल्व करने में ज्यादा इजी रहेगा अब देखो यहाँ ये यह बना टेन टेन में से फाइव गया तो फाइव डेसिमल के नीचे ठीक डेसिमल ये कैरी दिया होगा तो ये हो गया जीरो तो यहाँ मिल गया हमको जीरो पॉइंट फाइव ईजी तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे सिंपली जीरो पॉइंट फाइव और एफ तो लिखना ही है इज इक्वल टू अब इन दोनों को देखो प्लस माइनस माइनस हो रहा है बड़ा वाला नंबर कौन सा है जीरो पॉइंट सेवन फाइव बिगड़ नंबर है तो यहाँ ऊपर हम लिखेंगे जीरो पॉइंट सेवन फाइव और ठीक डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया मैंने डेसिमल के आगे एक जीरो है डेसिमल के बाद फोर और तो फाइव है ठीक कुछ इस तरह से ही हमको तो डेसिमल के नीचे डेसिमल फिर जितने भी नंबर पीछे उनको पीछे और आगे जितने नंबर है उनको आगे लिखना है फिर यहाँ देखो माइनस करने को बोला है देखो प्लस माइनस माइनस करना है तो माइनस करेंगे तो फाइव माइनस फाइव जीरो हो जाएगा थ्री माइनस फोर थ्री सॉरी सेवन माइनस फोर थ्री हो जाएगा डेसिमल डेसीमल जीरो जीरो तो जीरो ही होगा अच्छा और साइन कौन सा आएगा साइन देखो जीरो तो प्लस का साइन है तो प्लस का ही साइन आएगा यहाँ लिख देते हैं जीरो पॉइंट थ्री जीरो लिखने की जरूरत है क्या बिल्कुल नहीं है जीरो तो कोई वैल्यू नहीं होती है ना डेसीमल के बाद है क्योंकि वो अब इन सबको कर देते हैं हम फटाफट से इरेज अब देखो आ गया अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है F इज इक्वल टू 0.3 और ये डिवाइड में है तो 0.5 कर देंगे अब आपको एक और चीज देखो जब हम डेसिमल हटाते हैं ना बच्चों तो डेसिमल के हटाने के तरीका देखो F लिखा मैंने यहाँ पे थ्री है तो थ्री लिख दिया और नीचे फाइव है तो फाइव लिख दिया ठीक अब यहाँ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं एक ये एक डेसिमल है डेसिमल की जगह हम वन लिखते हैं और डेसिमल के बाद कितना नंबर है एक नंबर है तो डेसिमल के बाद जितने नंबर उतने जीरोस। का हटता है तो नीचे जीरो आते हैं और नीचे का डेसिमल हटेगा तो ऊपर जीरो जाएगा तो यहां देखो एक डेसिमल की जगह हमने वन लिखा और डेसिमल के बाद क्या है फाइव है एक ही डिजिट है तो एक जीरो कुछ इस तरह से हम डेसिमल को हटा के किस में टेन में चेंज कर देते हैं जीरो वाले नंबर्स में चेंज कर देते हैं अब ये टेन से टेन हो जाता है कैंसिल तो एफ इज इक्वल टू आ गया क्या थ्री अपॉन फाइव सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर ओके तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.5 बच्चों यही खत्म होती है आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना मस्ट है क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कुछ डेसिमल वाले क्वेश्चन और जो नेगेटिव वाले क्वेश्चन है उनको भी ध्यान से करना जरूरी है प्रैक्टिस करना इन सारे क्वेश्चन को बार बार से जैसे कि नेक्स्ट क्लासेस में आप, आपको इन सारे नंबर्स को लेके कोई टेंशन ना हो ओके okay? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज टू पॉइंट सिक्स स्टार्ट करेंगे टिल देन टेक केयर बाय